हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सुहानी। वेलकम बैक टू सासी सुहु। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे एक थोड़ी डिफरेंट रेसिपी जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में एज ए डिजर्ट के सर्व की जाती है और उन्हें हम गर्मा गर्म पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे श्रीखंड। मैं आपको बताने जा रही हूँ टू वेराइटीज ऑफ श्रीखंड। प्लीज हैव अ लुक। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस स्वीट एंड टैंगी मैंगो श्रीखंड एंड काजू द्राक्ष श्रीखंड। हार्डली 2-3 इंग्रेडिएंट्स से देखते हैं कैसे बनते हैं श्रीखंड। आज हम 2 फ्लेवर्स के श्रीखंड रेडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 एम्प्टी वेसल्स ले लिए हैं। मैंने अराउंड 3 बोल्स फ्रेश कर्ड ओवरनाइट हैंग कर दिया था और उसे फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए हमारा इतना क्वांटिटी का हंग कर्ड रेडी है। अब हम इसे एक बड़े बोल में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी हमारी कर्ड की रेडी हुई है। याद रखिएगा कर्ड को हमें ओवरनाइट बाहर नहीं छोड़ना है, नहीं तो कर्ड खट्टा हो जाएगा। ये सिमिलरली सेम क्वांटिटी मैंने एक और जगह 3 बोल्स हैंग करी थी, तो अब ये मैं दूसरे बोल में शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे फ्लेवर के श्रीखंड के लिए। इसे भी मैंने ओवरनाइट हैंग किया है और फ्रिज में रखा है। कर्ड एकदम पनीर की तरह थिक हो गया है। आइए पहले रेडी करते हैं मैंगो श्रीखंड। इसके लिए मैंने 1 बोल ऑफ मैंगो पल्प लिया है और उसे मैं कर्ड में डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने अल्फांजो मैंगोज लिए हैं। आप चाहें तो जो भी वैरायटी इजीली अवेलेबल है उसका मैंगो ले सकते हैं। अलग अलग वैरायटी का डिफरेंट टेस्ट होता है। इसमें ऐड कर देंगे अराउंड 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है श्रीखंड में। और फिर उसमें ऐड कर देंगे अराउंड 1/2 कप पाउडर्ड शुगर। ये मैंने नॉर्मल शुगर को ग्राइंड किया है। आप चाहें तो आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं विस्क की हेल्प से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ जिससे कि कोई भी लम्स ना रह जाए और श्रीखंड एकदम स्मूथ बने। ये देखिए मिक्स करते करते कितना स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया है एंड आवर श्रीखंड इज रेडी। यस गाइस, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम इसे गार्निश करते हैं। इसमें स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से नट्स। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड पिस्ताचियोस, थोड़े से चॉप्ड कैश्यूज। नट्स ऐड करने से एक क्रंच ऐड हो जाता है श्रीखंड में जो कि खाने में काफी अच्छा लगता है। और इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से चॉप्ड रेजिन्स। आप चाहे तो अपने पसंद के नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब एंड में इसमें स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से केसर के थ्रेड्स। ये देखिए हमारा स्वादिष्ट और बहुत ही इजीली बनने वाला श्रीखंड हो गया है एकदम रेडी। अब हम इसे फ्रिज में चिल करने के लिए रख देंगे। आइए बनाते हैं अब सेकेंड वेराइटी ऑफ श्रीखंड जो है काजू द्राक्ष, जो हमने हंग कर ली थी। इसमें हम ऐड कर देंगे अराउंड 3/4 बोल ऑफ पाउडर्ड शुगर। याद रखिएगा कि शुगर बहुत ही फाइनली ग्राइंडेड हो और उसमें कोई भी पार्टिकल्स ना हो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ऑफ पाउडर्ड कार्डमम। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नट्स। पहले हम इसमें डालेंगे अराउंड 4 टीस्पून्स ऑफ चॉप्ड कैश्यूज। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 3 टीस्पून्स ऑफ चॉप्ड रेजिन्स। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नट्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ताचियोस। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी केसर का मिल्क। अराउंड 2 टीस्पून केसर मिल्क मैंने इधर भिगा के रखा हुआ है। ये मैं इसको मिक्सर में डाल देती हूँ और अब एक बार बहुत ही अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को फिर से मिक्स कर लेंगे। इसके स्मूथ होने तक इसे विस्क करेंगे। ये हमारा काजू द्राक्ष श्रीखंड हो गया है एकदम रेडी। देखिए कितना क्रीमी और मजेदार बना है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से कैश्यूज जो कि चॉप्ड हैं। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉप्ड किशमिश, थोड़े से पिस्ताचियोस,
और फाइनली इसमें डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। अब हम इसे चिल करने के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। मैंने मैंगो और काजूदार चिकन को 1 आवर के लिए फ्रिज में कूल कर लिया है। अब ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम एज अ डिजर्ट भी सर्व कर सकते हैं और इन्हें गर्मा गर्म पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। इतनी सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड इफ यू डिड प्लीज गाइस टर्न द ब्लैक थंब इनटू ब्लू, शेयर इट विद योर लव्ड वंस एज मच एज यू कैन एंड डू सब्सक्राइब टू सासी सुहू इफ यू हैवंट डन इट येट। I will see you in my next video with a brand new recipe. Till then, do take good care of yourselves. Bye-bye.